দেয়, সোনি বা করা ছিল। हाँ, वो थोड़े से परेशान लग रहे थे, उन्हें लगा कि ठीक है, लेकिन उस समय हालात अलग थे। अब बिज़नेस करना इन हालातों में बहुत मुश्किल है, जहाँ हमारे पास किराया देने के भी पैसे नहीं है, काफ़ी किल्लत है। तो मैं कहती हूँ कि नहीं, वो अरेंज हो जाएगा। अगर हो जाएगा तो आप कोशिश करेंगे, ज़रूर कोशिश कीजिए। तो मैं उन्हें आइडियाज़ बताती हूँ कि कैसे हम इस पूरे प्लान को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, हम इन्वेस्टर ढूंढ सकते हैं, हम मार्केटिंग कर सकते हैं, हम ई रिक्शा प्रोजेक्ट को लॉन्च करेंगे और वो डेफिनेटली सक्सेसफुल होगा। क्योंकि नित्यम ऐसे है, जो एक काम अगर ले लेते हैं तो उसको मतलब पूरी तरह से कामयाब करके ही छोड़ते हैं, तो मुझे उनके ऊपर बहुत बिलीफ है। टीम नहीं बनाई थी, मतलब हमने सब कलेक्टिवली समझाया था सबको, मेरे रिक्शा वाले भाइयों को सब बताया था कि ऐसा ऐसा प्लान है। कुछ लोग कन्विंस थे, कुछ लोग नहीं थे। फिर कल्पेश जी कुछ ऐसी बात करते हैं हमेशा, वो कोई ना कोई ऐसा मुद्दा उठा देते हैं कि लोग कभी कभी उनके बहकावे में आ जाते हैं, तो फिर से लोग थोड़े से डिवाइडेड से हैं। वो अटेंशन नहीं दे रहे हैं इस प्लान को इतना ज़्यादा, जितना उनका सपोर्ट चाहिए था उतना नहीं मिल रहा है, तो फिर से हम थोड़े से हिल गए हैं। वर्कशॉप सजाने से पैसे नहीं आने वाले, बात यहाँ पे लाखों की नहीं करोड़ों की हो रही है, जो हमारे पास है। और आप तो हमें झूठी उम्मीद मत, क्योंकि गरीब का दिल जो है ना, वो उम्मीद पे टूटा होता है, और जब उम्मीद टूट जाती है ना, तो सपनों के साथ साथ हौसला भी टूट जाता है। आप लोग बड़े हो, पढ़े लिखे हो, दूरदृष्टि रखने वाले हो, तो आप ही लोग पैसा लाएंगे।